आज हम बात करेंगे उन तेलुगु मूवीज की जो बॉक्स ऑफिस पर इतनी छाई के पैसे गिनते गिनते प्रोड्यूसर ने हाथ उठा दिए। हर इंडस्ट्री की अपनी बिरयानी होती है, लेकिन तेलुगु सिनेमा की ये मूवीज तो बिल्कुल डबल मसाला वाली बिरयानी जैसी है। यहाँ रायते की जगह एक्शन और इमोशन का तड़का है। सबसे पहली बात कि अगर आप सोच रहे हैं कि लिस्ट किस मूवी से शुरू होगी, तो भाई बाहुबली 2 के बगैर कोई लिस्ट शुरू नहीं होती। 1800 करोड़ की कमाई के साथ ये मूवी ब्लॉकबस्टर नहीं, कल्चरल फेनोमिनन थी। और वो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा का सवाल लोग इतने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ डिस्कस करते हैं जैसे कोई उन्हें मिशन पर जाना हो। और हमारी लिस्ट में जो नंबर 2 पर मूवी है वो है ट्रिपल आर। राजा मौली ने फिर से मैजिक कर दिया। ट्रिपल आर में NTR और रामचरण की दोस्ती ऐसी लगी जैसे चाय में बिस्कुट, परफेक्ट कम्बो। इमोशन और डांस का ऐसा मिक्स था कि दुनिया भर में 1200 करोड़ कमाए। और नाचो नाचो सॉन्ग का तो कहना ही क्या, लोग डांस मूव्स तो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे थे जैसे उन्हें फ्रेंड की शादी में परफॉर्म करने का चैलेंज मिला हो। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर साहू मूवी है। प्रभास की बाहुबली के बाद अगली बड़ी एंट्री थी साहू। स्टाइलिश एक्शन और ट्विस्ट स्टोरी के साथ मूवी ने 400 करोड़ कमाए। हालांकि कहानी में ट्विस्ट काफी कंफ्यूजिंग थे, लेकिन जब प्रभास स्टाइल मार के बात करे तो कौन स्टोरी का टेंशन लेता है। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर मूवी है पुष्पा दी राइस। मैं झुकेगा नहीं, अल्लू अर्जुन का ये डायलॉग हर जगह वायरल हो गया था। और पुष्पा के स्वैग ने प्रूव कर दिया कि आपको 365 करोड़ कमाने के लिए बस थोड़ा एटीट्यूड और जबरदस्त परफॉर्मेंस चाहिए। हर दूसरा बंदा पुष्पा बनने की कोशिश में था। हमारी लिस्ट में पांचवें नंबर पर जो मूवी है इसका नाम पढ़ते हुए मुझे थोड़ी दिक्कत हुई है। मूवी का नाम है एला वेकंथापुर मोलो। अल्लू अर्जुन का एक और धमाका। वेकंथापुर मोलो में न सिर्फ इंटरटेनिंग कहानी थी बल्कि उसके गाने भी हर जगह हिट हो गए। 262 करोड़ की कमाई के साथ अर्जुन ने डांस फ्लोर्स पे भी आग लगा दी थी। बेटा बुम्मा का क्रेज तो आज तक खत्म नहीं हुआ। हमारी लिस्ट में जो छठे नंबर पर मूवी है इस मूवी का नाम भी पढ़ते हुए थोड़ी सी दिक्कत आई है। इस मूवी का नाम है सारी लेरो नेको वारो। महेश बाबू की फुल ऑन मसाला इंटरटेनर ने भी जबरदस्त धमाका किया। 260 करोड़ की अर्निंग के साथ और महेश बाबू के डायलॉग, भाई हर जगह उसके डायलॉग्स रिपीट हो रहे थे जैसे कोई नया व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिल गया हो। तो गाइस ये थी तेलुगु सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज जो सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं दिल भी जीत गई। एक्शन ड्रामा और डायलॉग्स ने फैंस का पूरा पैसा वसूल कर दिया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो बस छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।